अनुकुमार उइके को दी गई भावभीनी विदाई। 7 महीने के कार्यकाल में नशा मुक्ति एवं अपराधों की निकाल के लिए किए गए बेहतर पुलिसिंग को लेकर की गई सराहना। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। रीवा के मनगवा थाना में पदस्थ थाना प्रभारी अनूप कुमार उइके को भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर पीएस त्रिपाठी, संयुक्त कलेक्टर पीके पांडे, एसडीओपी डॉक्टर केएस द्विवेदी, नायब तहसीलदार मनोज कुमार सिंह की विशेष उपस्थिति में स्थानांतरित टीआई अनूप कुमार उइके का जोरदार स्वागत करते हुए विदाई दी गई। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर पीएस त्रिपाठी एवं केपी पांडे ने कहा कि टीआई अनूप कुमार उइके का कार्यकाल काफी अच्छा रहा। इन्होंने बेहतर पुलिसिंग करके जनता एवं अधिकारियों पुलिस के बीच बेहतर काम किया। आपके द्वारा विधानसभा चुनाव को संपन्न कराए जाने पर खूब मेहनत की गई थी, जिसका परिणाम भी बेहतर मिला था। इनके सुखमय जीवन के लिए शुभकामनाएं हैं। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहां फिर मुलाकात हो, न जाने कहां फिर मुलाकात हो। क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। आदरणीय एसडीपी साहब, एसडीएम साहब, त्रिपाठी साहब, पांडे साहब, सीएमओ सोनवाने साहब, नायब तहसीलदार सिंह साहब, बागरी जी, और यहाँ जनप्रतिनिधि आए हैं सिंह साहब, गुप्ता जी, और जिनका नाम है हो सकता नहीं ले पाऊँ, पत्रकार साथी अपने विजय भाई तिवारी जी, और बाकी सभी जो यहाँ के सम्मानित जनता, मेरा प्रिय स्टाफ, मेरे थारा मनगवा परिवार के सभी लोग। कहने को बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जो विदाई का समय है, 7 महीने जब हम किसी के साथ रह लेते हैं तो बड़ा एक अटैचमेंट सा हो जाता है। तो हालांकि मेरा परिवार वहाँ है, जाना मेरी मजबूरी है, लेकिन एक अटैचमेंट हो जाता है और कहने को बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन भावनात्मक रूप से फिर वो चीज़ें निकल नहीं पाती हैं। आप लोगों का बड़ा अच्छा सहयोग रहा, एसडीएम साहब का भी बड़ा मतलब रहता है, पुलिस और राजस्व का विभाग का जो यहाँ पर मैंने देखा, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, अपने सिंह साहब वगैरह, मतलब एक अनुरोध पे, मतलब जनरली दूसरे जगह में जहाँ भी रहा हूँ, मतलब इतनी आसानी से जो है राजस्व विभाग या जो अन्य विभाग, जैसे सोनवाने जी को भी कभी कोई काम हो फोन कर दो, तो मतलब इतनी आसानी से सुलभता से कोई यहाँ पर अन्य जगहों पर उपस्थित नहीं हो पाते। जो सहयोग यहाँ पर राजस्व टीम का रहा और अपने जो नगर परिषद का रहा, वो बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक अनुभव रहा कि मतलब ऐसा अन्य जगहों पर नहीं होता है। एसडीओपी साहब का मेरा और सर मेरे पिताजी की उम्र के हैं और सदा आशीर्वाद रहा सर ने, मतलब कभी मतलब मुझे 6 माह के कार्यकाल में मतलब एक रहता है कि टीआई और कभी कभी एसडीपी का सामंजस्य नहीं होता है तो थाना चलाने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन साहब का कभी मतलब ऐसा नहीं रहा, उनने फ्री हैंड छोड़ा कि हाँ ठीक है टीआई साहब आप देख लो, कभी ये नहीं बोला कि यार टीआई साहब ऐसा करना है, आपको ये करना है, साहब का ऐसा कोई दबाव नहीं रहा, बोले ठीक है आप अपने हिसाब से देखिए जो आपको सही लगे वो करिए, ऐसा ही ये रहा मेरा। जनता का भी काफ़ी सहयोग रहा, कभी मतलब किसी ने मतलब ऐसा प्रेशराइज नहीं किया कि सर मेरा ये आदमी है या मेरा ऐसा है तो आप बिल्कुल इसको छोड़ दीजिए या इसके खिलाफ ऐसा कर दीजिए। जो रीवा की एक जो छवि बाहर के लोगों में है, हालांकि मैं तो जैसा साहब ने, एसडीएम साहब ने बताया कि भोपाल में बहुत सारे आधा रीवा बसता है, तो मेरे साथ तो रीवा के काफ़ी कर्मचारी थे, 2-3 तो यहीं के हैं अपने दुमगवा के, मेरे साथ ही रहे, तो मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब रीवा इतना बड़ा,
मेरा ट्रांसफर होगा। मेरी वाइफ ने बहुत प्रयास किया डीजी साहब के पास, मतलब मुझे पकड़ पकड़ के ले गई वो कि आप चलो आप उपस साहब से मिलो कैंसिल कराने के लिए। मैंने कहा हो गया है, प्रशासनिक दृष्टि से है, एक नया एक्सपीरियंस भी होगा क्योंकि अभी बहुत लंबी सेवा है मेरी, तो कुछ नए चीज़ सीखने को मिलेगा। यहाँ आए और आप लोगों का स्नेह जो मुझे प्राप्त हुआ उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और भविष्य में भी जब कभी भी आप लोगों के कोई काम आने का अगर मुझे अवसर मिलेगा तो आप बिल्कुल आप फ़ोन लगाएं, मेरे से जितना पड़ेगा बन पड़ेगा मैं करने का प्रयास करूंगा। और अगर इस 7 माह के कार्यकाल में अगर मेरे से कोई भूल या वो हो तो एक छोटा भाई एक परिवार का सदस्य समझ के माफ कर दीजिए, बाकी आप लोगों की सेवा। विदाई कार्यक्रम में मनगवा पुलिस अनुभाग के SDOP डॉक्टर KS द्विवेदी ने कहा कि TI अनूप कुमार उइके का काम प्रशंसनीय रहा, आपने काफी सुलझे हुए थाना प्रभारी के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। इन्होंने पुलिस स्टाफ के साथ बेहतर रूप से सामंजस्य बैठाकर काम किया, अपराधों पर नकेल कसने में भी अच्छा खासा काम किया है। वहीं आपने कहा कि स्थानांतरण एक प्रक्रिया है जिसके तहत सभी को गुजरना पड़ता है, लेकिन जिनके द्वारा अच्छे काम किए जाते हैं उनका सम्मान भी इसी तरह होता है। इस दौरान अनुभाग के SDOP डॉक्टर KS द्विवेदी ने विदाई कविता भी लिखी जिसमें पुलिस के कार्य प्रगति एवं घटनाओं से जोड़कर विदाई कविता को पढ़ा एवं TI अनूप कुमार उइके को विदाई कविता भेंट की। TI साहब 7 माह तक मेरे साथ में जो रहे और आपका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा, हर क्षेत्र में चाहे अपराध के नियंत्रण वाली बात हो, नशा मुक्ति वाली बात हो, अधिकारियों के साथ, जनता के साथ, पत्रकारों के साथ, सभी लोगों के साथ सामंजस्य आपका बहुत अच्छा रहा। मंडला के लाल अनूप तेरा कर्म रहा महान, मंडला के लाल अनूप तेरा कर्म रहा महान, कार्यकाल में आपके पुलिस छवि की बही शान, कार्यकाल में आपके पुलिस छवि की बड़ी शान, अपराध शाखा भोपाल से आपको भेजा गया रीवा, रेवा माई की कृपा से मनगवा में दिया सेवा, 29/8/2023 को आप थाना मनगवा आए और विधानसभा चुनाव साथ में मिल कर आए, 29/8/23 को आप थाना मनगवा आए और विधानसभा चुनाव साथ में मिल कर आए, मनगवा थाना परिसर में आपने लगाया 4 चांद, सहकर्मी व मनगवा के वासी सदा करेंगे याद, सहकर्मी व मनगवा के वासी सदा करेंगे याद, अपराध नियंत्रण कानून व्यवस्था में कायम किया मिसाल, कार्यवाही अपराध निकाल व नशा मुक्ति की रही विशाल, सात्विक रहे विचार आपके शाकाहारी रहा खान पान, और मंडला के लाल अनूप तेरा कर्म रहा महान। अगला है इसमें, जनता नेता अधिकारियों पत्रकारों से बढ़िया रहा लगाओ, रहा मेरा सहयोग सदा साथ चला मैं गांव गांव, रहा मेरा सहयोग सदा साथ चला मैं गांव गांव, हंस हंस के कर्तव्य निभाया सोचा नहीं क्या कहेंगे लोग, और तनाव मुक्त रह कर कार्य किया वह सदा रहा निरोग, बीते रविवार को ही गंगा यमुना सरस्वती के संगम में मैंने नहलाया, और शनि विजय के संगनाओं में गंगा के मध्य नर्मदा का विचार आया, माई ने पूरी की अभिलाषा
आपको नर्मदापुरम पहुंचाया, कृपा शंकर ने निभाया साथ आपका, आपने मेरा मान बढ़ाया। कृपा शंकर ने निभाया साथ आपका, आपने मेरा मान बढ़ाया। सहकर्मियों ने दिया साथ, सहकर्मियों ने दिया साथ, अब अपराध के गिरा ग्राफ, अब भूल हुई हो यदि किसी से, भूल हुई हो यदि किसी से, करना सबको माफ। नर्मदापुरम पहुंचकर, नर्मदापुरम पहुंचकर रेवा तट पर, अरे कुटिया का रखना ध्यान। हम मंडला के लाल अनूप, तेरा कर्म रहा महान, मंडला के लाल अनूप, तेरा कर्म रहा महान। अभी बीते रविवार को ही टीआई साहब स्थानांतरित थाना प्रभारी अनूप कुमार उइके ने कहा कि मुझे रीवा जिले के मनगवा थाना में पदस्थापना के दौरान कई तरह के अनुभव मिले। जब हमारा ट्रांसफर भोपाल से रीवा के लिए हुआ था तो कुछ लोग रीवा के संबंध में कुछ अलग तरह की कहानी बता रहे थे, लेकिन हमको आने के बाद ये समझ आया कि यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं, काम करने के लिए काफी अवसर हैं, अपराधों की निकाल के लिए यहाँ की आम एवं खास लोगों का बेहतर सहयोग रहा और मुझे यहाँ पर काम करने के बाद काफी कुछ सीखने को भी मिला। यहाँ की पदस्थापना मेरे लिए यादगार रहेगी। इस दौरान आपने सभी के प्रति आभार प्रकट किया। गौरतलब है कि रीवा मनगवा थाना में पदस्थ थाना प्रभारी अनूप कुमार उइके का महज 7 महीने के कार्यकाल पूरा करने के बाद होशंगाबाद नरवदेश्वर ट्रांसफर किया गया है। चाई अनूप कुमार उइके थाना में पदस्थापना के दौरान बेहतर पुलिसिंग की, इनकी जनता और पुलिस के बीच मधुर संबंध रहे हैं, कई बड़े अपराधों का खुलासा किया। नशा के क्षेत्र में भी इनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। इन्होंने नशे के खिलाफ अभियान चलाकर प्रभावशाली कार्यवाही की थी एवं नशा मुक्ति के लिए भी अच्छा खासा काम किया, जिसको लेकर यहाँ के लोगों में उनके प्रति काफी भावनात्मक सोच रही। इन्होंने अपने कार्यकाल में विधानसभा चुनाव को संपन्न कराए जाने में भी काम किया, जिसको लेकर इन्हें प्रशस्ति पत्र भी मिला। विदाई समारोह कार्यक्रम में मुख्य रूप से नायब तहसीलदार मनोज कुमार सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुरेश सोनवानी, गंगे पुलिस चौकी प्रभारी राम नरेश तिवारी, मणिकपुर पुलिस चौकी प्रभारी महेंद्र सिंह बागरी, धीरेन्द्र सिंह बघेल, भक्तराज सिंह, रामसिया रावत, नीरज सिंह, विष्णु पांडे, अर्पित सिंह, यशवंत सिंह, केकेटी नागरिक मंच के संयोजक रामेश्वर गुप्ता, गणेश सिंह, प्रभात गुप्ता, सनी, अंकित गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, बिन्नू, लवकुश पांडे, लवकुश गुप्ता, सरपंच नवीन तिवारी, लवकुश पांडे, जितेंद्र कुमार, दिलीप गुप्ता पत्रकार, महेंद्र तिवारी जर्नलिस्ट, दैनिक भास्कर एवं संपादक विजय गुप्ता, एडवोकेट एसपी तोमर सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। नए वीडियोस एवं ताजी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।